गाइस, वेलकम टू स्मार्ट सिटी टेक्स। तो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश लैंग्वेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो को पढ़ने का अच्छे से कंप्लीट करेगा। ये बीए बीएससी बीकॉम एंड आप किसी भी कैटेगरी के होगे एंड फर्स्ट ईयर में आप हो, तो आपके ये ग्रामर पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं पूरे ग्रामर आपको कैसे अटैम्प्ट करना है इंग्लिश के पेपर में आपको पूरा डिटेल्स देने वाले हैं। आपको कोई भी डाउट होगा तो टेलीग्राम पर शेयर करो, वहाँ से आपको डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम प्रो सेक्शन के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे। नेक्स्ट मैं आपको सारे एंड इसमें स्केचेस कैसे लिखनी है, बायोग्राफी स्केचेस कैसे लिखनी है, नैरेटिंग कैसे लिखनी है, आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में पूरा डिटेल्स होंगी। और हाँ, सारे लेटर्स आपको कैसे, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, सारे डिटेल्स होंगी। तो वीडियो को पढ़ने का अच्छे से कम्प्लीट करेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो एग्ज़ाम लेने के पहले इस वीडियो से रिविज़न कर लीजिएगा तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक, तो पहले हम इसमें फ्लेमिंगो चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा चैप्टर इसमें है, आपका दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पुट अप गया है। पहला क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज द ऑथर से डेट माय प्रेजेंट पिक्चर ऑफ हर इज फार मोर ऑब्जेक्टिव देन इट वाज देन, इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ डिड द बा बिहेव इन प्रेजेंस ऑफ एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो ये दोनों क्वेश्चन, नेक्स्ट भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ डिड बा अर्न द टाइटल मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप बहुत अच्छे से रेडी करके जाना। ठीक है, एंड द लास्ट थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाट डिड द ऑथर से बा रिमेंस टू स्टे द सेंटर ऑफ द फैमिली। ये भी इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप नोट करो। ठीक है, आपका ये चारों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हाँ, अगर इसमें से एक आध दो क्वेश्चन नहीं आया या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसमें मिक्स करके आंसर लिख देना। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली आंसर लिखेंगे तभी आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, आप एक सेम आंसर लिख सकते हो या थोड़ा सा मिक्स करके ऊपर नीचे करके आप आंसर को कम्प्लीट करिए। नेक्स्ट आप लास्ट में एक अच्छे से राइटिंग में इन कंक्लूजन लिख लिए तो वो फुल मार्क्स आपको कम्प्लीट मिल जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है आपका, नेक्स्ट चैप्टर में है, आ जाते हैं नेक्स्ट में। तो इसमें हमारा पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, दिस इज़ हाउ ग्रेट डॉक्टर्स ट्रीट देयर फादर्स, व्हाट डिड द मिस्टर वर्मा मीन बाय दिस कमेंट। ओके, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें हमारा थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मिस्टर वर्मा प्रिकॉशंस ऑफ हिज सन ग्रेटेस्ट एंड लव चेंज एज हिज ग्रो ओल्ड कमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट आते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, ये हाउ डिड अ मिस्टर वर्मा ट्राई एंड यूज हिज ग्रैंड चाइल्ड फॉर गेटिंग स्वीट्स, इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप तीनों क्वेश्चन के आंसर आप पढ़े हो तो आई होप इससे अगर रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, अगर आ जाता है तो आप क्या तीनों आंसर के मिला के क्वेश्चन आंसर नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो ना, तो आप उससे रिलेटेड लिख देना। ठीक है, ये नहीं कि नहीं आ रहा है क्वेश्चन, ही नहीं आया, मैम ने बताया ही नहीं था तो आ गया, आप कैसे आंसर लिखे, ऐसा कुछ नहीं होता, आप लिख सकते हो मिक्स क्वेश्चन करके। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट में दिया, डू यू थिंक प्रतीक वॉज अ मिशीव यंग विलेज बॉय, सपोर्ट योर आंसर विथ इंस्टेंट फ्रॉम द स्टोरी, इस तरह पहला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सेकंड में हमारा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है ये दोनों क्वेश्चन, तो आप इन दोनों क्वेश्चन पे कंप्लीट कर लो। और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन बन जाता है आपका माखन के बारे में ना, आपका माखन का कैरेक्टर बताना है कि आपका पूरा माखन का कैसा कैरेक्टर रहा है पूरे स्टोरी में, इसके बारे में एक्सप्लेन करो, तो आप ये क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है माखन का कैरेक्टर बताने के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और नोट कर लो, जो कि फातिक जब रिटर्न आता है तो मतलब कोलकाता से जब आता है उसके फादर क्या उसके लिए गिफ्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो आप उसको भी क्वेश्चन नोट कर लेना, हो सकता है वो भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एंड नेक्स्ट आते हैं, हमारा कुछ ये पोइट्री का चैप्टर दिया हुआ है जिसमें आपको द सॉलिटरी रीपर के बारे में पोइट्री है, इसमें आपका अबाउट द पोयम समरी पूछ सकता है, अबाउट द पोयम बताना है एंड अबाउट द पोएट के बारे में पूछ सकता है कि विलियम वॉर्मोस के बारे में बताइए कि वो कैसा उनका कैरेक्टर था, क्या क्या उन्होंने किया था उसके बारे में आप एक्सप्लेन करो। एंड हाँ, अबाउट द पोएम अच्छे से देख लेना, बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करके जाना, पढ़ लेना। एंड और डिवोटेड सन पे मैं आपको नेक्स्ट बता रही हूँ, उसके बाद मैं डिवोटेड सन पे बता रही हूँ कि आपको कैसे लिखना है, डिवोटेड सन पे बहुत अच्छे से आएगा, वे इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप डिवोटेड पर बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिवोटेड पर पे आपको, मैं आपको सन पे इस पे कंक्लूजन भी बताऊँगी, नेक्स्ट आप पहले इस पे थोड़ा सा से डिटेल्स भी लिख लो। ठीक है, तो इन द शॉर्ट स्टोरी अ डिवोटेड सन बाय अनिता देसाई, द टाइटल इज ऑलमोस्ट आयरॉनिक इन लाइट ऑफ द स्टोरी एंड्स टू बी डिवोटेड द वन पेरेंट इज टू
होल्ड देम इन द हाईएस्ट एस्टीम एंड बी द सन हु केयर्स एंड टेक केयर्स ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, अ डिवोटेड सन के बारे में आपको थोड़ा डिटेल्स लिखना है। नेक्स्ट मैं आपको कंक्लूजन बता रही हूँ, अब कंक्लूजन इसी तरह लिखना, बहुत ज़्यादा लाइन नहीं लिखनी होती है आपको कंक्लूजन में, बस 5 से 6 लाइन लिखो, 7 लाइन लिखो, इतना मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखा जाता है कंक्लूजन में। ठीक है, इन कंक्लूजन द आयरनी इन द टाइटल अ डिवोटेड सन लाइज इन द फैक्ट दैट राकेश डिवोशन इनिशियली सीन अप एज अ पॉजिटिव ट्रेड इवेंचुअली बिकम्स अ सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस एंड कंफ्लिक्ट विद द फैमिली। जितना मैंने लिखा है ना कंक्लूजन में, आप इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा मत लिखना, क्योंकि कंक्लूजन है, कोई डिटेल्स या हेडिंग नहीं आप एक्सप्लेन कर रहे हो कंक्लूजन में, बस इतना ही लिखते हैं, ज़्यादा नहीं लिखते, 6 से 7 लाइन इनफ होता है कंक्लूजन के लिए। ठीक है, अब आते हैं यूनिट सेकंड में, आते हैं हमारा यूनिट सेकंड में दिया राइटिंग स्किल्स है, डिस्क्राइबिंग अ पेस ऑफ ए पर्सन है, नेक्स्ट है राइटिंग अ बायोग्राफिकल स्केच है, नैरेटिव इवन एंड एक्सपीरियंस के बारे में है। सो हाँ, यूनिट सेकंड का मैं आपको डिटेल्स अपने सेकंड वीडियो में दे चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर देख के जाइए, जिसके लिंक आपको वीडियो के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन होइए। एंड हाँ, ये चारों सेकेंड यूनिट के चारों के बारे में मैंने आपको फुल डिटेल्स में एक्सप्लेन करके हर एक चीज़ को मैंने एक सीरियल वाइज बताया है, तो आप वहाँ से जाके कंप्लीट करो, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगी तो बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, तो इतना लॉन्ग वीडियो शूट करना इम्पॉसिबल होता है। सो आप इन चारों के सॉल्यूशन आपको उस वीडियो में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाओ, थोड़ा सा कंप्लीट कर लो, आपको वहाँ से अच्छे से डिटेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देख लेते हैं, मैं आपको सॉल्व कराने वाली हूँ आज की वीडियो में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो दैट्स हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया है, ये आपका मैंने किसी पेपर से उठाया है, सो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सॉरी गाइस, थोड़ा सा वॉइस आपको इरिटेट कर रहे हो कि, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि थोड़ा सा हेल्थ इशू है इसलिए थोड़ा सा वॉइस अच्छी नहीं आ रही है। एंड देन वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था बनाना, तो मैंने शूट करना पड़ा। एंड देन देख लेते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, रीडिंग द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस दैट फॉलो। रिलीजन इन इंडियन मीन्स द ग्रेट पाथ, इट डज नॉट इम्प्लाई नैरो व्यू ऑफ लाइफ, इट कवर्स ऑल द फेजेस एंड इंडिविजुअल्स लाइफ एंड इनेबल्स हिम टू अटेन लिबरेशन बाय रिमूविंग हिज इग्नोरेंस द इंडियन व्यू। सो इसमें आपको पूरा एक पैराग्राफ दिया है जिसमें आपको आंसर कंप्लीट करने होते हैं। तो इसमें पहला दिया है व्हाट इज द रिलीजन इन इंडियन मीनिंग, तो आप बताओ रिलीजन का मीनिंग क्या है इंडिया में, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, रिलीजन इन इंडियन मीन्स द ग्रेट पाथ, आप इतना भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत बड़ा पूरा पेज ही लिख डालो, ऐसा नहीं होता, सिर्फ इतना लिखो रिलीजन इन इंडियन मीन्स द ग्रेट पाथ एंड इट डज नॉट इम्प्लाई अ नैरो व्यू इन लाइफ, बस इतना लिखो, पहले के आंसर आपके लिए इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होती पैराग्राफ में। ये नहीं ऑडियो बोलता है इसमें कि आप 200 वर्ड लिख दो, 400 वर्ड लिख दो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें आते हैं नेक्स्ट, आते हैं व्हाट आर द फोर एंड्स ऑफ इंडियन व्यू इन लाइफ, आपका क्या क्या आपके फोर एंड्स हैं इंडियन व्यू लाइफ में। सो देख लेते हैं, इसमें हमारा दिया है, इसमें आप यहाँ पे तो आंसर नहीं है इसका, नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें दिया है, इसमें हाँ लाइज एज अ फोर एंड विच इंक्लूड प्रैक्टिस ऑफ वर्चू, एक्यूलेशन ऑफ वेल्थ, सेंस ऑफ प्लेजर्स एंड सेल्वेशन, बस इतना आंसर इसका काफ़ी है। दूसरे में आप ऐसे लिखोगे, पहले कैसे लिखोगे द फोर एंड्स ऑफ इंडियन व्यू ऑफ लाइफ, फिर लिखोगे देन यहाँ से कंप्लीट करना विच इंक्लूड द प्रैक्टिस ऑफ वर्चूस एंड सेल्वेशन तक आप कंप्लीट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट थर्ड में दिया हुआ है व्हाट इज रियल एक्सपीरियंस इन इंडिया, तो आपको बताना है रियल एक्सपीरियंस क्या है इंडिया का, तो इसका आंसर देख लेते हैं दिस व्यू ऑफ लाइफ रिफ्लेक्टेड इन इंडियन आर्ट, दिस इज नो कंसिडरेशन बिटवीन दीज सेंसेस ऑफ इंडियन आर्ट रिलीजियस इंटेंशन, तो आप यहाँ से आंसर करोगे देर इज नो कंसिडर बिटवीन द रिच सेंसेस ऑफ इंडियन आर्ट एंड इट्स रिलीजियस इंटेंशंस। ओके, एंड सॉरी एक्सपीरियंस के बारे में पूछा था मैंने, इंटेंशंस बता रही है, सॉरी। आपको इसमें लिखना अ परफेक्ट फ्यूजन ऑफ रिलीजन एंड आर्ट इज रियल एक्सपीरियंस इन इंडिया, इसका आंसर ये है, थर्ड का आंसर आपका ये है। ठीक है, नेक्स्ट है विच वर्ड इज सिनोनिम्स ऑफ गॉडेस इन दिस पैसेज, गॉडनेस का गुडनेस का सिनोनिम्स क्या है बताइए, आपको बताना है इसका आंसर आप हमारे टेलीग्राम पे दो या तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, गुडनेस का सिनोनिम क्या होगा। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें नहीं आया गिव अ मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑन यू रूल देम सेंटेंसेस, या इसमें कन्फेस, कंफर्म, कॉन्फ्यूट, सॉलिटरी, क्यूर, एनिमस एंड प्रोसेस, इसका आंसर मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, एक पीडीएफ में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से इसे कंप्लीट कर लेना। ठीक है, यहाँ बताऊँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें आपको बायोग्राफिकल स्केचेस के बारे में आएगा, जिसमें आपको डॉटी एस सी वर्मा डी एम एफ सी आर एस गार्डियन सर्जन के बारे में होता है, फादर्स नेम
एंड इसके डिटेल्स भी मैंने आपको मेरे उस वीडियो में बता रखा है, आप वहाँ से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बायोग्राफी स्केच के बारे में मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसने देखा है वो कंप्लीट कर लेगा, जिसने नहीं देखा वो जाके वहाँ से कंप्लीट कर ले। सो लेट्स से हम ग्रामर के पोर्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। ग्रामर पोर्शन में हमारा पहला दिया हुआ है जिसमें आपको डू एंड डायरेक्टिव लिखनी है। इसमें आपको सप्लाई एंड सम और द वेयर का नेसेसरी यूजेस बताना है आपको, ठीक है। इसमें हमारा पहला दिया हुआ है, फर्स्ट है हमारा आई लाइक जैम ऑन पीस ऑफ ब्रेड। तो इसमें आप क्या यूज करोगे, आप ए एंड सम और दे। तो इसमें आप यूज करोगे आई लाइक अ जैम ऑन अ पीस ऑफ अ ए यूज करोगे, पीस ऑफ ए ब्रेड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें ए यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है ऑरेंज ग्रोज ऑन ट्री। तो ऐसे होगा, इसमें एन ऑरेंज ग्रोज ऑन अ ट्री होगा, ठीक है, जगह नहीं है तो इसमें आप ऐसे लिख लो एन ऑरेंज ग्रोज ऑन ए ट्री होगा, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट दिया है चेयर इज अ मेड ऑफ वुड। तो यहाँ यूज होगा द चेयर इज मेड ऑफ वुड, ठीक। अब आते हैं कुछ वर्ब्स के बारे में है, एंड मैं कुछ वर्ब भी आपको पढ़ाऊंगी जिसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ब के बारे में एक्सप्लेन करूंगी। तो पहला आपको इसमें बनता है आई गो टू वर्क बाय अ कार। तो इसमें आप सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट बोला यूज करने के लिए, तो आप इसमें लिखोगे आई वेंट वर्क बाय कार। तो इसमें क्या यूज होगा आपका, वेंट यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं आई मीट हिम ऑन मंडे। तो आपका पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज होगा, मीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मेट होता है, तो आई मेट ऑन हिम मंडे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं द प्ले बिगेन्स एट 9 AM। तो इसमें आपका पास इसका क्या होगा, बिगेन्स का क्या होगा, बिगेन होगा, तो प्ले बिगेन एट 9 AM होगा ओनली, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एट सम और एनी रिक्वायर्ड। ओके, इसमें क्वेश्चन पूछा है, इसमें आपको सम और एनी का यूजेस बताना है, जिसमें हमारा दिया है डेयर इज नॉट मिल्क इन द पॉट। तो इसमें क्या होगा हमारा, आप बताइए, इसमें हमारा होगा एनी, देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द पॉट, हमारे पॉट में कोई भी मिल्क नहीं है। नेक्स्ट आते हैं कैन यू गिव मी डैश मोर इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, कैन यू गिव मी सम मोर इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, सम होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं यू आक्स मी फॉर, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यू आक्स मी फॉर सम, यहाँ पे सम, बट आई कुड नॉट फाइंड एनी, ठीक है, पहले सम यूज होगा देन एनी यूज होगा। तो सम किसके लिए यूज होता है, सम एनी, सम कुछ के लिए भी यूज होता है, एनी भी कुछ के लिए होता है, लेकिन सबका फॉर्म और वर्ड को फील करने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग टू, नहीं होगा यहाँ पे टू होगा, ठीक है, टू और एनफ। इसमें हमारा पहला इट इज वेरी कोल्ड वी कैन नॉट गो आउट। तो इसका आंसर होगा इट वेरी कोल्ड टू वी कैन नॉट, यहाँ पे टू यूज होगा, टू वी कैन नॉट गो आउट, बहुत ज़्यादा ठंड है तो हम बाहर नहीं जा सकते। नेक्स्ट आते यू आर क्विट क्लेवर यू नो इट वेल। तो यहाँ पे क्या होगा, एनफ का यूज होगा, यहाँ पे यू आर क्विट क्लेवर एनफ यू नो इट वेल। थर्ड आते इट इज वेरी गुड एनफ इट कॉन्ट बी ट्रू, यहाँ पे भी एनफ यूज होगा, ठीक है। सो देन अब नेक्स्ट पे आते फिल इन द ब्लैंक्स दिया, जिसमें आपको कुछ मॉडल ट्रिवल भरने हैं। तो हमारा दिया हुआ है वी डैश एम एट नोबल स्कूल्स, इसमें डिजायरेबिलिटी भरनी है, तो इसका क्या होगा, वी शुड ऑलवेज एम एट नोबल्स, यहाँ पे होगा शुड ऑलवेज फिल करिए, यहाँ पे शुड ऑलवेज फिल होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है आई डैश आई स्टे हर टू नाइट, इसमें पॉलिट रिक्वेस्ट भरनी है, यहाँ पे होगा मे आई स्टे हेयर टू नाइट, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आते इट इज रेनिंग आई मस्ट, यहाँ पे होगा यूज होगा मस्ट का यूज होगा, ठीक है, यहाँ पे मस्ट का यूज होगा। तो आप पूरा अच्छे से इसे कंप्लीट करना, मॉडल्स को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपके इसके वॉइस पैसिव और एक्टिव वॉइस में से कंसर्व करना है। तो आता है पहला हमारा आता है समबडी हैज स्टोलन माई बुक्स, तो इसका आंसर होगा माई बुक हैव बीन स्टोलन बाई समबडी, तो माई बुक हैव बीन स्टोलन बाई समबडी, तो पहले माई बुक होगा फिर हैव बीन, हैज की जगह हैव बीन यूज होगा, एंड इसका आपको थर्ड फॉर्म लिखना है स्टोलन बाई समबडी, बाई का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ओपन द डोर, तो क्या होगा द डोर शुड बी ओपन, इसमें यहाँ पे यूज होगा वॉइस का यूज होगा आपका द डोर शुड बी ओपन।
नेक्स्ट आते हैं, इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है मोनालिसा वॉज पेंटेड बाई लियोनार्डो, तो क्या होगा यहाँ पे, लियोनार्डो पेंटेड बाई मोनालिसा, बस इसका वॉज का यूज नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ है आपको कुछ प्रीपोजिशन फिल करनी है, आपको दे पेड मी फॉर यहाँ यूज होगा, फॉर द पियानो, फॉर के लिए पेड करो, पियानो के लिए यहाँ पे आपको पेड करना है। नेक्स्ट है आई गो टू कॉलेज बस, तो आपको यहाँ पे करना है आई गो टू कॉलेज बाई, किसके द्वारा हम बस से जा रहे हैं, तो बस के द्वारा हम कॉलेज जा रहे हैं, ठीक है, बाई यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं फिलिंदर ब्लैंक विद पोजेसिव और सेल्फ फॉर्म्स भरने, आपको यहाँ पे हैव वी डू इट ऑल बाई, यहाँ पे क्या यूज होगा, पोजेसिव होगा या और सेल्फ के बारे में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज होगा आपका आवर सेल्फ, हैव वी डू ऑल इट बाई आवर, वी के साथ क्या यूज होता है, वी के साथ आवर यूज होता है, तो यहाँ पे वी टू डू इट ऑल बाई आवर सेल्फ होगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा दिया है आई कट विद द रेजर दिस मॉर्निंग, तो किसके साथ, आई कट माई सेल्फ, आई है तो माई होगा, अगर आई है तो माई होगा, वी है तो आवर होगा, ऐसे यूज होता है, ठीक है। आप एक बार पोजेसिव पढ़ लेना, मैं नीचे आपको बताऊंगी कि पोजेसिव क्या क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल दूंगी, तो पहले आप ये कर लो, फिर इसके बारे में मैं आपको थोड़ा, एंड जेरंड आते हैं तो पहले हम थोड़े से जेरंड के बारे में जान लेते हैं, नेक्स्ट हम थोड़े से इसके सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम जेरंड पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नाउन इन्फिनिट वर्ब के तीनों वर्ब में महत्वपूर्ण जेरंड है, क्योंकि नाउन के फॉर्म में ही प्रयोग होता है, नाउन किसके, जेरंड किसके यूज में प्रयोग होता है, नाउन के फॉर्म में यूज होता है, जिसमें वर्ब ना लगा के नाउन के फॉर्म में यूज होता है, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाता है, इसमें आपको वर्ब के साथ आई एन जी जोड़ के पूरा वर्ड कंप्लीट किया जाता है, जेरंड में आपको आई एन जी प्लस वर्ब, मतलब वर्ब प्लस आई एन जी यूज से बनता है, इसका फॉर्म यही है, ऐसे ही इसका फॉर्मूला है, आपको ऐसे ही वर्ड को बनाना रहता है, ठीक है। आप समझ में आ गए ना, जेरंड क्या है, जेरंड में आपको जो वर्ब क्या रहता है, आपको बस उसमें आई एन जी इंक्लूड करना है बस, और जेरंड कुछ नहीं है, बहुत ईजी है जेरंड, ठीक है। सो अब हम इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आई इंस्टीट्यूट आई मस्ट सी द सर्टिफिकेट, तो इसका क्या होगा, आई इंस्टीट्यूट आई मस्ट सीइंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीइंग द सर्टिफिकेट, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट दिया हुआ है ही एडमिटेड ही हैड टेकन द मनी, तो इसका आंसर होगा ही एडमिटेड टेकिंग द मनी, यहाँ पे ही एड कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ही एडमिटेड टेकिंग, यहाँ पे टेकिंग लग जाएगा एंड मनी, ठीक है। सिर्फ वर्ब के फॉर्म में हमें क्या यूज करना है, आई एन जी यूज करना है और कुछ नहीं, जेरंड इज वेरी इजी। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जेरंड क्या है, आपको आपको नहीं आया होगा तो टेलीग्राम पे वहाँ पे शेयर करूँ, मैं आपको छोटा सा पीडीएफ दूंगी तो वहाँ से आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, इसमें दिया है यू टीच डू यू एंजॉय, तो आपको क्या करना है, डू यू एंजॉय योर टीचिंग, या आप कर सकते हो डू यू एंजॉय टीचिंग, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ही रिग्रेटेड ही हैड रिटन अ रूड लेटर, तो इसका आंसर अब हम लोग हमारे कमेंट्स में देंगे, तो मैं वैसे तो बता देता हूँ लेकिन कमेंट्स में भी बताइएगा, वैसे इसका आंसर है ही रिग्रेटिंग रिटन अ लेटर, आप यहाँ पे लिखोगे ही रिग्रेटिंग रिटन अ रूड लेटर, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ सिनोनिम्स दिए हैं आपके, सिनोनिम्स कंप्लीट करने कस टर्म ऑप्टेन वगैरह के हैं। नेक्स्ट है आपको कुछ सिनोनिम्स कंप्लीट करने हैं, तो आपको सिनोनिम्स मैं दिखा रही हूँ, इसमें दिया है आपको, इसमें कस्टम है ऑप्टेन डिजाइन डाइवोर्स रेस्क्यू होमेज, तो आपको कस्टम का क्या होगा, हैबिट एंड प्रैक्टिस, दो दो मैं बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना, ऑप्टेन का अर्न गेन, डिजाइन का प्लेन प्लॉट प्रोजेक्ट होगा, डाइवोर्स का डिवाइडेड या पार्ट, रेस्क्यू का डिलीवर रैनसम, और होमेज का डिफरेंस या हॉनर, ठीक। इसका सिनोनिम्स एंड कुछ एंटोनिम्स भी दिया हुआ था, जिसमें आपका ट्रूथ का क्या होगा, लाई होगा, और नेक्स्ट है यूनिटी का क्या होगा, डिस्कॉर्ड एंड डिसएग्रीमेंट होगा, प्रोटेक्ट का हार्म होगा, ह्यूमन का रोबोट या एनिमल भी लिख सकते हैं, रिनॉन्स का क्लेम होता है, कलेक्टिव का इंडिविजुअल होगा, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि इसमें से एक दो आपका एग्जाम में पुटअप कर दे, क्योंकि काफ़ी रिलेटेड इससे पुटअप कर रहा है आपके सारे एग्जाम्स में, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपके कुछ वर्ड दिए हुए हैं जिसमें आपको मीनिंग्स कंप्लीट करने हैं कुछ वर्ड के, जिसमें इसमें लिखा हुआ है ना, मैच द वर्ड कॉलम विद द मेयर मीनिंग ऑफ कॉलम ए बी, ठीक है। तो इसमें कुछ वर्ड दिया है, जैसे रेडियंट है, नेक्स्ट देख लेते हैं सोरेसी है, ब्राइट है, होमेज है, मेंशन है, जेनेथ है, तो आपको इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखी हूँ, तो आप यहाँ पे देखो रेडियंट का क्या होता है, लवेबल होगा, सोरेसरी का होता है प्रैक्टिस ऑफ मैजिक, ब्राइट का ब्राइटी होता है,
होमेज का ट्रिब्यूट होगा, मेंशन का द लार्ज हाउस होता है, मेंशन मतलब बड़ा घर, ठीक है, मेंशन मतलब बड़ा घर होता है। जेनिथ का क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट, जेनिथ का मतलब होता है केंद्र, कोई बड़ा सा बूंद या बूंदी कह सकते हैं ऐसे, ठीक। आपको कुछ मैं सिनोनिम्स दिखा रही हूँ, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। या वीडियो रोक के आप इसे थोड़े से कंप्लीट कर लो, मैं इसमें आपको इंपॉर्टेंट बताऊँ, जैसे एक्सेप्ट पढ़ लो, बैरन पढ़ लो ना, एडवांटेज, एक्चुअल, बिलीव, ब्यूटीफुल एंड बिग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कन्विक्ट है, क्यूरल है, आपका डीट पढ़ लो, डिस्कवर पढ़ लो, डिसाइल, इन मी, एंड इसमें से बस इसमें से इतना कंप्लीट करो, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एंडोर है, फेमस है, फेथ है, फोर्स है, ग्रीफ है और इन्फिनीट है, ठीक है। इसमें से और देख लेते हैं, लेजी है, लिबर्टी है, नॉर्मल है, ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा इजी इजी है, इसे आप पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, तो एक बार रिविज़न कर लेना एग्ज़ाम देने के पहले, ठीक है। आपको मैंने वैसे जेरन वगैरह पढ़ा दिया, आपको ये सब अच्छे से आ गया होगा, तो आई होप कि बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए अगर आपने इसे ईजिली समझ लिया। नहीं आया होगा तो टेलीग्राम पे शेयर करना, मैं वहाँ से थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँगी, ठीक है। तो एंड इसमें कुछ दिया हुआ है, जेरन के कुछ फॉर्म है, जैसे सब्जेक्ट टू वर्ब, ऑब्जेक्ट टू ट्रांसिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन है एंड कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब है। जैसे प्रीपोजिशन के कर्म के स्थान पर होता है, समक क्रिया कर्म के स्थान पर होगा, क्रिया के पूरक के रूप में यूज होता है, आपको इसे यूज करते हैं जेरन। जैसे जेरन का कुछ एग्जांपल ये भी है, ही इज फाउंड ऑफ प्लेइंग चेस, इसमें देखिए वर्ब क्या है हमारा, प्लेइंग है, तो प्ले है, तो प्ले में हमारा यूज क्या हो रहा है, आई एन जी यूज हो रहा है, तो ये हमारा जेरन है। बस जेरन कुछ नहीं, नाउन के फॉर्म में यूज होता है। एंड मैं आपको बता रही थी ना पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव के बारे में भी देख लो, पॉजिटिव फॉर्म है ग्रामर का फॉर्मेट्स होता है, जिसमें आपको डिस्कशन मतलब रिलेशनशिप एंड बिटवीन पर्सन एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पॉजिटिव दिखाता है, जैसे कि कोई चीज़ मेरी है, एंड व्हाट्स योर नेम, जैसे कि आपका नाम क्या है, अगर ऐसा कुछ एग्जाम्पल्स आप दे रहे हो तो मतलब आपको दिखा रहे हो कि मैं किसी के प्रति कितना पॉजिटिव रखता हूँ, तो वो चीज़ आपका पॉजिटिव कहलाता है, ठीक है। अब इसमें अच्छे से आप इसके पढ़ लेना ऐसे डिटेल में, वीडियो रोक के, आप बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो अब इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देख लो, सेल्फ फॉर्म यूज़ होता है, आपको जैसे हिम आ गया, अगर ही है तो हिम भी यूज़ होगा, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से, पहले आप सेंटेंस पढ़ना फिर यूज़ करना, आपको यूज़ करने के लिए होगा, ठीक है। ही के साथ हिम का यूज़ हो रहा है, हिम सेल्फ हो रहा है, एंड शी के साथ क्या होगा फिर, हर सेल्फ होगा, ठीक है। पॉजिटिव के कुछ वर्ड इसमें माइन, आवर, योर्स, हियर्स, सॉरी हर्स, हीज, देयर्स, ये सब आपके पॉजिटिव प्रोनाउंस हैं, इसे आप नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एंड हाँ, पॉजिटिव प्रोनाउंस ज़रूर एग्जाम में आएंगे, तो आप इसे पढ़ना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। माइन किसके लिए यूज़ होता है, मेरी, मेरे के लिए, हीज के लिए, उसका, उसके लिए, ये हर्स के लिए, उसका, उसकी के लिए होता है, देयर्स उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए, मतलब लोगों के लिए देयर्स यूज़ होता है, ठीक है। ये कुछ स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में और वर्ड्स फॉर्म में कैसे यूज़ होते हैं, इसे आप देख लेना। पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, वाई, हाउ, व्हाट, वेयर, व्हेन, आपका कैसे यूज़ होता है ये भी आप देख लो, ठीक है। ये सब आपका वर्ब है, वर्ब यूज़ करने के लिए आता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, वी शैल बी, ये सब आपका वर्ब यूज़ करने के लिए आएगा। एंड कुछ ही आपका माई सेल्फ, सेल्फ फॉर्म है, माई सेल्फ होता है, ओवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, ये चारों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लो। एंड कुछ आते हैं वर्ड के फॉर्म दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो ये आप बस नोट कर लो, या इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे मैं शेयर कर दूंगी, अब वहाँ से इसे पढ़ लेना, ठीक है। इसे एक्सप्लेन करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब बस इसे एक बार पीडीएफ खोल के पढ़ लेना अच्छे से, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो वीडियो कैसा लगा मैं ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल पर अगर नहीं आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर एग्जाम।